कौन? तो अभी हम हैं कुंभलगढ़ फोर्ट, हम तो पापा बेटी मजे ले रहे हैं फतेह सागर लेक पे। हमारी सेट देख रहे हैं बोलो श्रीदेव, हे बोलो आजत चढ़ाओ। हेलो दोस्तों, अब आपके साथ मेरी मम्मी बात करेगी। ले मम्मी सही हो, अभी हम उदयपुर जा रहे हैं और पुष्कर से हम सुबह सुबह चले थे लगभग 7 बजे और पूरे रास्ते में बहुत भयंकर बारिश थी। हेलो गाइस, हम यहाँ रुके हैं खाना खाने के लिए। Hello. और लायरा पता नहीं क्यों मुझसे दूर भाग रही है, उसे शायद वीडियो के अंदर नहीं आना है, पर मैं चाहती हूँ कि लायरा कुछ बोले। लायरा आप स्कूल क्यों नहीं जा रही हो, आप कहाँ घूम रही हो बताओ? क्यों हमारे पास कुछ था नहीं तो हम सोचा जुलाई ले लेते हैं। और कुछ करने के लिए था? हमारे पास अम्ब्रेला तो है। अच्छा, अम्ब्रेला से क्या करते हैं? अम्ब्रेला तो है। वैसे बारिश आ रही है ना, फिर ऐसे आराम कर लेते हैं यहाँ पे, थोड़ी देर रुक जाते हैं। ये बोला था हमारे रूम दिखाओ हमारे फ्रेंड्स को, ये हमारी ड्रॉअर। कैसा लगा आपको नजारा? हम तो पापा बेटी मजे ले रहे हैं फतेह सागर लेक पे। टेंशन है? अबे हमारे फ्रेंड्स को हेलो तो बोल दो। हाय फ्रेंड्स, हाय। हेलो फ्रेंड्स, तो हम जा रहे हैं अभी बोटिंग करने। टेंट अबे, और ये लाइफ जैकेट ने लहरा को पहन लिया। दादीमा नहीं दिख रहे ना, दादीमा फोन में। नदी के पास, नदी लेक के। कौन है वो? कौन यहाँ बैठो भाई? अभी वो देखो, वो देखो लाइट जो दी अच्छे से है ना, कितने सुंदर सुंदर। हम कहाँ चले? ये मैं तो सारा बच्चा बैठ गया। कोई कौन थी? मैं अलग हूँ। मैं बहुत कौन थी? अच्छा लगा? आप यहाँ से क्यों जाना चाहते हैं बार बार?
पहले यहाँ पे कैसा लगा आपको यहाँ की? अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा। हमने रोपवे में चढ़ के हम एक बहुत ऊपर माउंटेन्स पे आ गए। उदयपुर में हम सबसे बड़े पॉइंट पे आ गए ना, और हमें यहाँ पे सब छोटे छोटे तो आज हम क्या करने वाले हैं लहरा जी? लहरा दूध पी लो, दूध पीना है? नहीं पीना। हम जा रहे हैं जगदीश टेंपल उदयपुर, मंदिर दिखाएं हमारे फ्रेंड्स को। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको मंदिर दिखाते हैं बाहर से। हम सब बैठे हैं ऑटो में, लहरा को बहुत मजा आ रहा है, कितनी राजी हो रही है, कितना अच्छा लग रहा है ना। फ्रेंड फ्रेंड बैठी थी ऑटो में, वाओ वेरी नाइस, नहीं बैठी थी। अभी जो आप ये सिंबल देख रहे हो, इसको मेवाड़ से आर्किटेक्ट किया था महाराणा फतेह सिंह जी ने। एक तरफ क्षत्रिय है, दूसरी तरफ भील समाज का आदमी, बीच में जो लोगों देख रहे हो वो चित्तौड़ का किला है। पहले मेवाड़ का जो कैपिटल था ना वो चित्तौड़ था, उसके बाद में हल्दीघाटी बना। तो अभी अपन यहाँ से एंट्री लेंगे। 1930 में महाराणा गोपाल सिंह जी ने बनाया था, तो जिन राजा ने ये टाइल्स लगाया था यहाँ पे, उनका कमरा भी आपको ऊपर पांचवें फ्लोर पर दिखाएंगे, ठीक है? ये जो वैसे का वैसे पहले बनाया गया था, यस यस, 1930 का वर्ष था। ये देखिए, ये महाराणा प्रताप का ओरिजिनल वेपन्स है, 500 साल पुराने। ये महाराणा प्रताप का कवच है, ये बाला है, ये तलवार है, ये तीर कवच है। देखो सबका वेट मिलाकर है, देखो 35 kg, यानी इतना लोड लगता है शरीर में, लगने जाते हैं। महाराणा प्रताप की जो का फर्स्ट लाइब्रेरी है, इसको 1874 में महाराणा सज्जन सिंह जी ने बनाया था। लाइब्रेरी का नाम है वाणी विलास। यहाँ पे एक राइटर थे श्यामलदास, जिन्होंने मेवाड़ का ग्रंथ लिखा वीर विलास। ओके, ये पंखा देख रहे हैं, उस समय स्टीम भाप से चलता था, क्योंकि बिजली नहीं था ना, इसलिए इस शॉप में जहाँ पे अभी अपन खड़े, इसको राय आंगन बोलते हैं। जब भी नए राजा आते थे ना, तब उनका राजतिलक यहाँ पे होता था। अभी अपन कितने राजा का राजतिलक हो चुका है यहाँ? 22 उदय सिंह जी के बाद में 22। बाट टप नहीं है, अंदर अंदर भी है, इसको बोलते हैं लक्कू कुंड। नीचे जब भी राजा बनते थे ना, तब इसमें 1,00,000 चांदी के सिक्के भर के रखते थे, जिसमें से 25,000 सिक्के देखो राजा वहाँ से गरीब जनता में लुटा देते, यहाँ से इस पॉइंट से, और बाकी के सिक्कों को मंदिर में दान कर देते। अभी जो आप ये चश्मा देख रहे हैं, ये गांधी जी का चश्मा नहीं है, मुंबई का चश्मा आया था, इसमें गांधी का रोल किया था बेन। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रेडी हो चुका हूँ, लहरा भी रेडी हो चुकी है। ये आ गया जी प्याज परांठा, ये आलू परांठा, इसको कोई मतलब नहीं है किसी परांठे से, ये बड़ी शैतान लड़की है। सुबह हम चले थे उदयपुर से एक लिंक के लिए, थोड़ा लेट हो गए क्योंकि घर की औरतों को शॉपिंग करवानी थी उदयपुर में,
तो वहाँ पे नजायज टाइम लगा दिया और इस वजह से हमें एकलिंग का टेंपल बंद मिला और अभी हम वहाँ से जा रहे हैं हल्दीघाटी। और हल्दीघाटी अभी है सिर्फ 5 किलोमीटर दूर, 5-7 मिनट में पहुँच जाएंगे और फिर आपको वहाँ के नज़ारे दिखाते हैं। और अभी मेरी मम्मी आपसे बात करेगी। नहीं करेगी। करो क्यों कौन करो अब मेरी मम्मी बात नहीं करेगी, अभी लहरा आपसे बात करेगी। ना क्यों काई को चलो मिलते हैं जी अपन सीधा डायरेक्ट हल्दीघाटी। अभी हैं हम हल्दीघाटी म्यूजियम में और अभी यहाँ पे कोई एक शो स्टार्ट होने वाला है, वो हमको बताएंगे हल्दीघाटी के बारे में। 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दीघाटी का घमासान युद्ध हुआ था। ये युद्ध केवल एक दिन का था जो मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप एवं मुगल अकबर की सेना के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अकबर स्वयं नहीं आए थे, उन्होंने आमेर जयपुर के राजा मानसिंह को अपना सेनापति बनाकर भेजा था। हल्दीघाटी का युद्ध 5 किलोमीटर लंबे और 200 मीटर चौड़े क्षेत्र में हुआ। आप लोग सभी संग्रहालय में खड़े हैं। संग्रहालय से 200 मीटर की दूरी पर चेतक की समाधि है, जहां पर महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े चेतक को दफनाया गया था। यहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर हल्दीघाटी दर्रा है। इस दर्रे की विशेषता है कि यहाँ की प्राकृतिक मिट्टी व पत्थरों का रंग हल्दी जैसे पीले रंग का है। इस दर्रे के चारों तरफ महाराणा प्रताप की भील आदिवासी सेना राणा पूंजा के नेतृत्व में तैनात थी। ये सेना तीर भाले पत्थर चलाने में कुशल थी। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर शाही बाग है, जिसमें मुगल सेना का पड़ाव था। मुगल सेना 18 जून 1576 ईस्वी को प्रातः सूर्योदय के साथ मेवाड़ की राजधानी गोगुंदा की तरफ आगे बढ़ने लगी, तो उन पर महाराणा प्रताप की सेनाओं ने आक्रमण किया और उनसे गोरिल्ला पद्धति से युद्ध किया। ये आक्रमण इतना तेज था कि जिससे मुगल सेना में भगदड़ मच गई। महाराणा प्रताप की सेनाओं ने मुगल सेना को यहां से 3 किलोमीटर दूर पीछे समतल क्षेत्र में, जहां अभी खमनोर गांव है, वहां तक खदेड़ दिया। इसी खमनोर गांव के पास बनास नदी के पास समतल मैदान में 7 घंटे का भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में दोनों पक्षों से कुल 18,000 सैनिक मारे गए। जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो वहां पर मानसूनी बरसात हुई और वहां पर कटी हुई लाशें और खून ने पानी में मिलकर एक तलाई का रूप ले लिया। इतिहासकारों ने इस तलाई को रक्त तलाई का नाम दिया। इस युद्ध में ग्वालियर का एक पूरा राज परिवार, जिसमें राजा राम शाह तंवर और उनके दोनों पुत्र थे, शहीद हो गया। हमें अभी हल्दीघाट पे और यहाँ पे काफ़ी तगड़ी लड़ाई हुई थी महाराणा प्रताप और मुगलों की। ये देखिए आप, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। लायरा से हेलो ना। अभी हम कहाँ हैं? तो अभी हम हैं कुंभलगढ़ फोर्ट, इंडिया की सबसे लंबी दीवार इस वाले फोर्ट की है और वर्ल्ड में सेकंड हाईएस्ट वॉल। ये देखिए अभी दीवार बहुत मजा आ रहा है।
पहली बार मैंने बादलों को इतना नजदीक से देखा है। पहली बार नहीं देखा हमने, शिमला नारकंडा में भी नहीं देखा। मैंने पहली बार इतना नजदीक नहीं थी, वो थोड़ा ऐसे दूर थी। अब तो यार बादल अंदर से निकल रहे हैं ऐसे। एक्चुअली अभी मानसून है ना, अंदर से निकल रहे तो हमारी ज़्यादा हाइट नहीं है कुंभलगढ़ फोर्ट, मेरे को ध्यान नहीं है एग्जैक्टली कितनी हाइट पे है, बट यहाँ पे चारों ओर कोहरा ही कोहरा और सुरन सुरन करती हुई हवाएं। लो जी आपको नज़ारे दिखाता हूँ, बादलों के पार एक जहां। बारिश नहीं है, वाह मेरी फेस पे पानी है। ये एक्चुअली बोछार शावर्स हो रहे हैं हल्के हल्के, बड़े प्यारे प्यारे। मम्मा और लहरा पहले से ऊपर चले गए हैं, धीरे धीरे हम थोड़ा सा साइड में चले गए थे इस फोर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए। हम हैं अभी कुंभलगढ़ फोर्ट के टॉप पे। चारों तरफ बादल ही बादल है, हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ से। और मानसून में ग्रीनरी इतनी प्योर है, मजा आ जाता है सब कुछ देख के। ये है दोस्तों 500 साल पुराना मंदिर, लगभग एग्जैक्टली 1457 में रेडी हुआ था। यहाँ कुछ लोकल लेडीज है, हेलो फ्रेंड्स। तो हम पहुंच चुके हैं सिरसा हमारे घर पे, और ये रही लहरा। हाय लहरा, से हाय। हाय फ्रेंड्स। अरे अरे लहरा देखो, लहरा आप सबसे इकट्ठी हो चुकी है। लहरा इसलिए इकट्ठी हो चुकी है क्योंकि लहरा की थोड़ी सी तबीयत खराब थी, बट अभी लहरा बिल्कुल ओके है। लहरा को थोड़ा सा बुखार हो गया था, और अभी हम खेलने जा रहे हैं थोड़ी देर में। अरे कुछ खेलने।